Nina, call loro. प्रियंका कोहाड़ की राम राम। हरियाणवी वेशभूषा, हरियाणा के लोग, देसी खाना और देसी पहनावा, देखने वाले के न्यारे चमका है। देखो मैडम जी, आज पैर गारी है देसी सोनू सांगवान जी मारी गेला है और आपने दिखा कि न्यारे चमका है, जिधर भी जा है तो नजर अड़ा के टका है। राम राम जी। राम राम। सोनू सांगवान जी, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताइए। ये इंस्टाग्राम पे भी है और आज यहाँ पे पहुंची है, दमन चुंदड़ी और कुर्ता पहन के, और देखो न्यारे दिखा से। बिल्कुल, आप सबका धन्यवाद। सोनू सांगवान 5582 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, प्लीज आप सब फॉलो कर लीजिएगा। हिसार से हो आप? हिसार से। और बेटी कहाँ से हो? बेटी मैं हूँ मुंडाल की। मुंडाल की हो? हाँ जी, मुंडाल की बेटी है। तो दामन कुर्ता पहली बार पहना है? नहीं नहीं, बहुत बार पहन चुकी, मेरी दादी का दामन पहना हुआ है मैंने। दादी का दामन पहन रखा है जी, बिल्कुल। देखो देसी मैंने नाड़ा पहना है, ये भी मेरी दादी का है और ये मैंने मेरी माँ की पहनी है, ये झालरा भी ओरिजिनल पहन रखे है। देखो और तो सारी डुप्लीकेट पहन रही हूँ, प्रिया असली पहनकारी है, बिल्कुल पहन के आ रही हूँ असली। चांदी की पहन रही हूँ, पुरानी सच्चे के टाइम की करती, वो नो डांडी का जो होया करता, नो डांडी वाला असली का, नो डांडी का मिल गया। इतनी तो निकलेगा, देखा होगा। तो आज किसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। देखो अपने 30 त्यौहार है ना, खत्म होते जान लग रही है। हाँ ये तो है कि देखो आज बहुत टाइम बाद मिला है हमें ऐसा, मतलब हमारे देखो जाटों में जो आज इकट्ठा हो गया, हम सब इकट्ठे हुए हैं इस फंक्शन में, बहुत अच्छा लगा के। बिल्कुल न्यारी रौनक लग रही है। हाँ बिल्कुल न्यारी रौनक लगा रही है। इसे दमन कुर्ता पहन का हुआ तो न्यारी दिखा है, सारी चीज फैल हो जाए इसके आगे। बिल्कुल, एक अलग ही घमंड आ जाओ, देखो जाटनी का रोब अलग ही हो दामन पहन के। विदेश धूम मचा रखी है ना। बिल्कुल। विदेश की वेशभूषा भी फैल है इसके आगे। बिल्कुल, अपने देसी वेशभूषा के आगे फैल है। आप ये अमजाट धर्मशाला हिसार की, तो जिधर भी आपकी नजर जाओगी आज तो दमन कुर्ता चुंदड़ी वाली चमका है, डांस देख ले, ओ हो तोड़ पाड़ रखा कती, आज तो नजर नहीं हट रही। बिल्कुल मजा आ गया डांस करके। अपनी हरियाणा की वेशभूषा है जो की कहना चाहोगे उसके बारे में, खाना पीना होया करता देसी? नहीं वो तो देखो खत्म ही होता जा रहा है, उसके जैसा तो मेरे को नहीं लगता कि अब आगे आने वाली पीढ़ी कर पाएगी, लेकिन कोशिश है। अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी शायद अब मतलब उसको पहचान पा रही है, देख रहे हैं बच्चे, समझ रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि वही सेम लेके आए। मतलब कितना ना कितना अपना देसी जो पहला था वो उल्टा लग रहा है। बिल्कुल उल्टा लग रहा है, बच्चों की पसंद चेंज हो रही है। अब जैसे देख लो मेरी पीढ़ी है, मेरे से आगे जो पीढ़ी आएगी उनको बड़े बुजुर्गों की चीजें मतलब संभाल के रख रही है। बिल्कुल, मेरे पास मेरी दादी का 80 साल पुराना संदूक है जो मैं लेके आई हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल शादी में लेके आई हूँ मैं, और आप देखोगे तो वो कहीं मिलेगा नहीं आपको। लकड़ी का होता है? लकड़ी का होता है, इतने बड़े बड़े पीतल के वो लग रहे हैं उसके ऊपर, तो मैं लेके आई हूँ 80 साल पुराना। देखो हमारी इस जनरेशन ने भी सलाम है, जो दादा ताऊ और की चीजा ने संभाल कर रखा है, दादी का संदूक लेके आई है मैं। बिल्कुल, चरखा भी लेके आई हूँ मेरी दादी का, चरखा भी रख रखा था मेरी दादी ने। दादी को पुरानी बात भी तो बताती होगी, नाम बता दो पहले तो दादी का। मेरी दादी का नाम था फुला देवी। अच्छा, अब एक्सपायर होगी? एक्सपायर होगी, अभी 1 साल हुआ है मेरी दादी का एक्सपायर। दादी तो लगा बहुत ज्यादा था। मेरी दादी ने क्या कर दी, जिसने दो ही नहीं कान उसने के क्रिया सुना दी। हाँ अनु कंधी, जिसकी सुंडी में मैल वह बहु के छैल। खोल लो चल प्रियंका चल। Thank you.
तोड़ पड़ दिया है, मतलब हरियाणा का रुख का पट्टा है जरा भी चले जानू मेरा पट्टा की हरियाणा वाले है अवस्था बोलते मेरा पट्टा है कि यो हरियाणा है प्रधान और हरियाणा की संस्कृति आप देखने लग रहे हो कि विदेशा में धूम मचा दी कदम चाला पड़ रखा आज तो डांस भी देख लिया मैडम जी का तो कदम धूमे ठा दिए तो आपने क्या कहना जरूर बता दो तस्वीर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो जो आपने दिखाते रहोगे हरियाणा का कल्चर हरियाणा की संस्कृति हरियाणा की धरोहर।